नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट शिवराज के साथ। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि आज की जो कहानी है वो मेरी सभी कहानियों से अलग है, क्योंकि ये एक हॉरर कॉमेडी है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कहानी के बारे में थोड़ी सी बातें बता दूं। ये कहानी मैंने करीबन 7 से 8 साल पहले कहीं पढ़ी थी। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन कहानी मुझे काफी पसंद आई थी और ये कहानी मेरे एक दोस्त ने फिर से मुझे भेजी है। ये कहानी ज्यादा डरावनी तो नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ हद तक हॉरर कॉमेडी कह सकते हो। तो अगर आप कहानी सुनना चाहते हैं तो सुनते रहिए हॉरर पॉडकास्ट शिवराज के साथ। अभी कुछ साल पहले एक गांव में एक नया नया अस्पताल बनवाया गया था और एक अमावस की रात अचानक से उस हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में एक पेशेंट की मौत हो गई। जबकि उसका ऑपरेशन सफल हुआ था और वो ठीक ठाक था, वो जल्द ही ठीक होने वाला था। किसी को कुछ पता नहीं चला कि उस पेशेंट की मौत अचानक कैसे हो गई और उस मौत के बाद हर अमावस की रात और मौतें होने लगी, एक के बाद एक ऐसी 6 मौतें। एक दिन डॉक्टर साहब आईसीयू वार्ड को देख रहे थे। उनके पास उनके हॉस्पिटल का एक सफाई कर्मचारी खड़ा था जिसका नाम नाना था। तो नाना ने डॉक्टर साहब के चेहरे की चिंता को देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि ये जो आईसीयू वार्ड है ना, उसकी वास्तु गलत है या फिर कोई भूत प्रेत का चक्कर है। नाना उन्हें काफी देर से अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर साहब ने तब उससे हंसकर कहा, नाना, आपकी उम्र हो गई है तो इसलिए आप ये पुराने ख्याल छोड़ दीजिए, ये भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब की इस बात पर नाना ने कहा, पर डॉक्टर साहब, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। मुझे इस अस्पताल को ज्वाइन किए 6 महीने हुए हैं और अब तक यहां 6 पेशेंट की मौत हुई है, जबकि सब कुछ ठीक था, ऑपरेशन सक्सेसफुल था, कोई गड़बड़ी नहीं थी। और फिर डॉक्टर साहब ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, नाना, हो जाता है कभी कभी, ऐसा समझो कि जो भी ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए थे उनमें भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन हमें ट्राई करते रहना चाहिए, बाकी सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। नाना ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, कुछ चीजें भगवान के हाथ में नहीं होती, भूत प्रेतों के हाथों में होती है। ऐसा नहीं होता तो हर अमावस की रात ठीक 12 बजे के करीब पेशेंट की मौत नहीं होती, यहां कुछ तो गड़बड़ है। इतना बोलकर नाना वहां से चला गया, लेकिन डॉक्टर साहब भी सोच में पड़ गए, क्योंकि नाना जो कह रहा था वो सच था। एक के बाद एक ऐसी 6 पेशेंट की मौत हुई थी, वो भी सिर्फ अमावस की रात ठीक 12 बजे के करीब। अब इन सब बातों का कोई तो संबंध था। तब डॉक्टर साहब भी नाना के बारे में सोचने लगे। नाना एक अजीब इंसान था, हॉस्पिटल का एक आम सफाई कर्मचारी था, लेकिन काम से कभी भी छुट्टी नहीं लेता था, लेकिन हर अमावस की रात वो कुछ देर के लिए किसी जगह पर बाहर चला जाता था। कहां जाता था, क्या करता था, किसी को कुछ पता नहीं था। उसके बारे में एक और अजीब बात थी, हर अमावस की रात उसकी जगह पर उसकी पत्नी गंगूबाई काम के लिए आ जाती थी। अमावस की रात नाना जब काम पर नहीं होता था तब वो उसकी जगह पर आकर अस्पताल की सफाई करती थी, वो भी कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। दोनों करीब करीब एक ही उम्र के थे, 50-55 के करीब। दोनों की कोई औलाद नहीं थी, तो इनके बारे में लोग कहा करते थे कि ये लोग औलाद पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो दोनों काला जादू करते हैं। पर वो दोनों क्या करते थे किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब ये मानते थे कि उस बात का अस्पताल से कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर साहब को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि इन सब चक्कर में, इन सब घटनाओं से अस्पताल का नाम खराब हो रहा था। गांव के लोगों में भी ये बातें होने लगी थी कि ये अस्पताल भूतहा है। कुछ पेशेंट ने तो ये तक कहा था कि उन्होंने अमावस की रात को एक औरत को घूमते हुए देखा था, कभी कभी उसकी जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है।
आसपास के लोगों में ऐसी बातें फैलती चली गई और फिर धीरे धीरे अस्पताल से पेशेंट कम होते चले गए। लोग इस अस्पताल में आने के बजाय दूसरे अस्पतालों में जाने लगे। आखिरकार अब कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत आन पड़ी थी। डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल का नाम और खराब ना हो इसलिए इन सब अजीब घटनाओं के बारे में अपने एक दोस्त को बताया। डॉक्टर साहब ने और उनके दोस्त ने मिलकर एक योजना बनाई और इतना ही नहीं बल्कि शहर से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया गया और सबकी मिलकर एक 5 लोगों की टीम बन गई। कुछ सोच विचार कर उन्होंने अस्पताल के कुछ खास जगहों पर सीसीटीवी लगाने का फैसला किया और उस हिसाब से अस्पताल के कुछ खास जगहों पर सीसीटीवी कैमराज लगाए गए, खासकर आईसीयू रूम के अंदर जहां पर एक के बाद एक पेशेंट की मौतें हो रही थी। कुछ भी कर उन्हें अगले पेशेंट को मरने से बचाना था क्योंकि यही एक रास्ता था, यही एक उम्मीद थी कि जिससे वो साबित कर सकते थे कि ये अस्पताल भूताहा नहीं है। और आखिरकार वो काली खौफनाक अमावस की रात आ गई। उस रात बारिश बहुत जोरों से गिर रही थी, जोर जोर से बादल गरज रहे थे। सबकी नजर बार बार घड़ी और स्क्रीन की तरफ जा रही थी। घड़ी का कांटा धीरे धीरे 12 की तरफ सरक रहा था। कमरे के अंदर किसी स्मशान जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। वह इतनी शांति थी कि बाहर से बिजली की आवाज आते ही पल भर के लिए उन सबके शरीर कांप उठते थे। 12 बजने में अब कुछ ही मिनट बाकी थे। सब लोग सांस रोककर उस स्क्रीन को देख रहे थे कि तभी स्क्रीन पर उन्हें एक परछाई दिखाई दी। बाहर कड़कती बिजली की रोशनी में उस चीज की एक लंबी सी रोशनी कॉरिडोर में पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। सब लोग आंखें फाड़ फाड़ कर उस स्क्रीन को देख रहे थे, लेकिन सीसीटीवी में उस परछाई की पीठ की तरफ का हिस्सा दिखाई दे रहा था। बाकी वो परछाई पूरी तरह से ढकी हुई थी क्योंकि कैमरा उसकी पीछे की तरफ था और इसलिए उसका चेहरा देख पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन उन लोगों को इतना जरूर पता चल गया था कि वो कोई औरत है और सब लोग शायद यही सोच रहे थे कि वो जरूर किसी औरत की आत्मा है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोगों के चेहरे पर इसी बात का डर झलक रहा था। सबकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। बिना पल के झपकाए वो सभी लोग स्क्रीन के पास खड़े होकर उसे देख रहे थे। सबके पसीने छूट गए थे। तभी उन्होंने देखा कि उस परछाई ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आईसीयू रूम के अंदर प्रवेश किया। सबने फिर से अपनी सांसें रोक ली और ये देखने लगे कि वो औरत क्या कर रही है। आईसीयू रूम की बाकी लाइट्स हमेशा की तरह बंद थी और फिर उस परछाई ने लाइट स्विच के पास जाकर सारी लाइट्स ऑन कर दी और तब डॉक्टर साहब ने सीसीटीवी में जो देखा वो देख उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि नाना की बाई को उसकी पत्नी गंगूबाई थी। आज अमावस की रात थी और हमेशा की तरह वो आज भी नाना की जगह काम पर आई थी और अगले ही पल उसने वही पास में जो वेंटिलेटर था बोर्ड से उसकी पिन निकाल दी और वहीं पर अपने पास का चाइना फोन चार्जिंग पर लगा दिया। और देखते ही देखते आईसीयू रूम के 7वें पेशेंट की जान चली गई। तो दोस्तों ये थी एक अजीब डरावनी कहानी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली बार किसी हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।